नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सटी हलचल। मैं हूं आपके साथ अशोक चोपड़ा। नंगल की सुंदरता को और चार चांद लगाने के उद्देश्य से शाही शहर अमृतसर की तर्ज पर नंगल नगर कौंसिल ने नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर लाखों रुपए की लागत से लगाई गई स्ट्रीट लाइटें कुछ दिन जगमगाने के उपरांत मात्र सफेद हाथी ही साबित हुई है, जिससे लोगों में रोष की लहर देखी जा सकती है। बता दें कि चंद महीनों पहले ही नंगल नगर कौंसिल ने नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर लगी पुरानी स्ट्रीट लाइटें खंभों सहित हटाकर शहर की सुंदरता को और बढ़ाने और रात के अंधेरे में राहगीरों को किसी किस्म की परेशानी ना हो, इसलिए लाखों रुपए खर्च कर नई स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, जो देखने में तो बहुत सुंदर थी लेकिन चंद दिन जगमगाने के उपरांत बंद हो गई। लोगों की इस समस्या की ओर नगर कौंसिल का ध्यान क्यों नहीं जा रहा, अथवा जानबूझकर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, यह सवाल बना हुआ है। यही नहीं, ऐसे ही कुछ हालात इंदिरा नगर में स्थित नंगल नगर कौंसिल के कम्युनिटी हॉल से लेकर राधा स्वामी सत्संग मार्ग की स्ट्रीट लाइटों के भी है, जहां भी लाखों रुपए खर्च कर लोगों की सुविधा हेतु स्ट्रीट लाइट तो लगाई गई थी लेकिन चंद दिनों के प्रांत यह लाइटें भी बंद हो गई और कई महीनों से यह लाइटें बंद हुई है और हालात जहां तक बदतर है कि लोग खंभे सहित लाइटें उखाड़ कर ले जा चुके हैं। पहले सुने क्या कहा सिटी हलचल से बात करते सोम प्रकाश शर्मा ने। हॉस्पिटल लाके बस स्टैंड तक सारी लाइटें बंद है 15-20 दिन तो। अच्छा जी, इधर धुंध करके बंदे नु दिसदा कुछ नहीं, एक्सीडेंट होने का खतरा है इतने। ठीक है, ये जगाइयां ना लाइट। ठीक है, ये कुछ खड्डे पे है, इतने खड्डे के बुरा हाल है, पानी पिछो बंदा एक्सीडेंट होने का खतरा है और ट्रैफिक जाम रहे, धुंध में कुछ पता नहीं लगता। ठीक है, पब्लिक परेशानी आ रही है, तो जल्दी जल्द चालू किया जाए लाइटें, नहीं बंद की जान। इस बारे में और जानकारी देते क्या कहा राजेश कुमार ने सिटी हलचल से बात करते, जे भी सुने। नरेश कुमार जी, लाइटा कई दिनों तो बंद, लाइटा का बहुत दिन हो गए नजर आई, एक्सीडेंट होने का डर है, हर वेले गाइया घूमदियाँ, या तो इन्हों पट के लै जाओ या फिर इन्हों जगाओ, लाने का क्या फायदा, कमेटी का इन्ना खर्चा किया। ठीक है, 15-20 दिन हो गए। अच्छा, कभी जगदियाँ ही नहीं, एक अद्धी जगदी बाकी है नहीं जगदियाँ, तो आ रोड सारा खराब है, खड्डे है, एक्सीडेंट होने का हर वेले खतरा है। ठीक है, तो एक बस स्टैंड का गेट भी बंद रहिंदा, यह तो कभी 4 बजे बंद कर देंगे, कभी 5 बजे बोलते नहीं, आम लोग परेशान होंगे, अंदर जाते बच्चे वाले होंगे, कोई बैग वाले तो डिग जाने जनानियाँ, साढ़े सामने गेट ही है, ये भी जरा इन्हों कहा जाए भी खोल के रखो। लाइटा कि जगह बंद है? लाइटा सारिया ही बंद है, इतों लैके बस स्टैंड, इतों नहर तो पुल तो लैके इधर होस्पिटल तक, इधर चौंक तक। ठीक है भाई, कभी जगदी क्या होना चाहिए, बस जगानियाँ चाहिए प्रशासन, पब्लिक का भला करना चाहिए, पब्लिक वास्ते है, सारिया दुकाना तो नहीं रहता। ठीक है, ठीक है। सिटी हलचल से बात करते क्या कहा एक बस के परिचालक संदीप कुमार ने, जे भी सुने। ये तो काफी चीर हो गए, एक तो धुंध का टाइम है जी, आने जाने वाले दिक्कत हो जाती, खड़न की दिक्कत हो जाती है, इतने गड्डिया एक्सीडेंट तो बहुत कारण है जी, इतने जाम लग जाता जी। ठीक है, पट के लिया जो कह सकते जो खंबे का की करना है, खड़े करने का। एक निजी बस के चालक बचन दास को भी सुने सिटी हलचल से बात करते क्या कहा। इन्हों हो गया जी, महीना के हो चलिया जी। हाँ जी, वैसे धुंध पैंदी मोहरे, गड्डिया गुड्डिया दिखदिया नहीं सानू। हाँ, कई बार यह है भी चल, कई है भी जो बन जाए तो वधिया गल है जी, लाइटा चल पाए तो। हाँ, 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 सानू तो यह है भी चल, रोड से हरेक बंदे नू पब्लिक नू फायदा ही है जी, फायदा ही है। हाँ, और कोई एक्सीडेंट होने से होर खतरा, सब कुछ बचा हो सकता जी। बिल्कुल बिल्कुल, भी जाने के जो दिन झमाके जो मारी जाए चलदियाँ है नहीं जी। ठीक है सर, तजी नहीं। हाँ, पर हूँ वैसे देखभाल करने वाला असं देखते रहते, महीना हो चलिया जी। हाँ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਗਮਗ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਰ। ਹਾਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਧੁੰਦ ਮੋਹਰੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ। उधर जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु नंगल नगर कौंसिल के सुप्रीडेंट खुशवीर सिंह से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि बिजली का लोड कम होने के कारण जैसे स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी थी और पावर कॉम को लोड बढ़ाने के लिए निवेदन दिया गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में विभाग द्वारा नया मीटर लगाए जाने के उपरांत सभी लाइटें फिर से जगमगाने लगेंगी। क्या कहा सिटी हलचल से बात करते नंगल नगर कौंसिल के सुप्रीडेंट खुशवीर सिंह ने, आप भी सुने।
ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਸਰਨਡ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਮੰਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦਾ ਅੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਸਿਟੀ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਨੰਗਲ ਸੇ ਕਰ।